एमपी के सिंगरौली जिले के भलैया टोला गांव में शनिवार को धान कूटने वाली मशीन के सॉफ्टन में फंसकर एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की दर्दनाक मौत के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सर्रई थाना क्षेत्र के घुरवानी गांव निवासी बबलू सिंह अपने धान गहाई के लिए भलैया टोला में ट्रैक्टर के धान गहाई का काम कर रहे थे। जैसे ही धान लेकर मशीन के नीचे झुका तभी वह सॉफ्टन में फंस गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक वह सॉफ्टन में बुरी तरह से फंस गया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना गांव में फैली तो दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने 100 नंबर पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमपी के सिंगरौली जिले के भलैया टोला गांव में शनिवार को धान कूटने वाली मशीन के सॉफ्टन में फंसकर एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की दर्दनाक मौत के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सर्रई थाना क्षेत्र के घुरवानी गांव निवासी बबलू सिंह अपने धान गहाई के लिए भलैया टोला में ट्रैक्टर के धान गहाई का काम कर रहे थे। जैसे ही धान लेकर मशीन के नीचे झुका तभी वह सॉफ्टन में फंस गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक वह सॉफ्टन में बुरी तरह से फंस गया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना गांव में फैली तो दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने 100 नंबर पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमपी के सिंगरौली जिले के भलैया टोला गांव में शनिवार को धान कूटने वाली मशीन के सॉफ्टन में फंसकर एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की दर्दनाक मौत के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सर्रई थाना क्षेत्र के घुरवानी गांव निवासी बबलू सिंह अपने धान गहाई के लिए भलैया टोला में ट्रैक्टर के धान गहाई का काम कर रहे थे। जैसे ही धान लेकर मशीन के नीचे झुका तभी वह सॉफ्टन में फंस गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक वह सॉफ्टन में बुरी तरह से फंस गया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना गांव में फैली तो दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने 100 नंबर पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिंगरौली से ब्यूरो रिपोर्ट।